Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्योंकि आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो कैसे बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे फेस टू फेस बात कर लेती हूँ और मैं आपको अपनी आज की वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में वीडियो बना रही हूँ। तो जी मैं वीडियो बना रही हूँ इस क्रीम के बारे में। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने इंस्टा पर इसकी स्टोरी लगाई थी कि मैं जल्द ही इस क्रीम का रिव्यू आपसे शेयर करूँगी कि ये क्रीम कैसी है। तो देखिए मैंने दराज से मंगवाई है क्रीम और मुझे ये टिकटॉक वायरल क्रीम है, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है कि ये जी इंस्टेंट वाइटनिंग ग्लो देता है आपको, लेकिन ये ऐसे है या नहीं ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो जी अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के बारे में कि ये क्या है। कि ये जी फेस एंड बॉडी वाइटनिंग क्रीम है, आप अपने डार्क एरियाज पर भी लगा सकते हैं, अंडर आर्म्स पर भी लगा सकते हैं, आप आपके जो भी डार्कन एरियाज है लाइक एल्बोज और ये फिंगर्स की यहाँ पर नेक पे कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जी ये सेफ़ है, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं मैंने टेस्ट करके देखा है, तो ये आप लोग प्राइवेट पार्ट से अंडर आर्म्स वगैरह पे लगा सकते हैं, तो ये सेफ़ क्रीम है। अच्छा जी इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जी 3 डेज वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है। 3 डेज वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल नहीं है ये, और ये आपको एक दफ़ा ग्लो तो दे देती है, वाइट टोन दे देती है आपकी बॉडी को, लाइक 1 टोन 2 टोन आपकी बॉडी का शेड कम कर देती है, लेकिन ये जी 3 डेज के लिए नहीं है। और जी ये क्रीम है क्या कि ये जी इनरिच्ड विद वाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स, वाकई ये बहुत मॉइस्चर क्रीम है, बहुत अच्छी है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, अभी नहीं लगाई हुई मैंने, जस्ट आपको वैसे बता रही हूँ, मॉइस्चर क्रीम है। और जी ये आपकी जो है इम्प्रूव द डल एंड क्यूटिकल, आपकी जो स्किन की क्यूटिकल है उसमें पेनिट्रेट हो जाती है और उसकी डलनेस को स्मूथ करती है, लेवल कर देती है। और इसका काम क्या कि ये जी आपकी स्किन को मॉइस्चर देती है और लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर है और वाइटिंग एबिलिटी है इसमें। ये हो गया, यूज़ कैसे करनी है आपने इसको, आपने जी स्किन को वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई करके इसको यूज़ कर लेना है। जस्ट ये सिंपल, जैसे हम कोई भी फेयर एंड लवली लाइक कोई भी क्रीम लगाते हैं वैसे लगा लेनी है। ओके जी इसमें वाटर है, ग्लिसरीन है, मिनरल ऑयल है और बाकी काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखे हुए हैं केमिकल्स लाइक चीज़ें हैं वो हैं इसमें। तो बाकी इसमें मिनरल ऑयल और ग्लिसरीन का पता चलता है कि इसमें ऑयल और ग्लिसरीन है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को काफ़ी मॉइस्चर कर देती है। जैसे अच्छा जी अब ये क्रीम टाइप नहीं है, आप इसे लोशन कह सकते हैं, थिक लोशन जिस तरह होता है ना वैसे है। तो जी हम इसको अप्लाई करती हूँ अपने हैंड पे, ये देखें ये, अब आपने इसको आपने इसको ऐसे ऐसे रब कर लेना। तो जी ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैंड और ये हैंड, फर्क आपको नजर आ रहा होगा इस पे से यकीन है। तो मैं आपको रिंग लाइट भी ऑफ करके दिखाती हूँ, देखें फ़र्क है इसमें, ये वाइट हैंड है और ये नहीं है, इतनी वाइट टोन दे दी है इसने, लेकिन ये देखें यहाँ पर ये मेरे हैंड ये चीज़ नुमाया हो रही है और इस पर ये चीज़ नहीं पता चल रही है। तो जी ये अब हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप किसी छोटे मोटे फंक्शन में स्कूल जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी आप जॉब पर जाते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं आप, किसी हैवी फंक्शन लाइक शादी वगैरह पर आप लोग नहीं इसको यूज़ कर सकते क्योंकि ये फुल कवरेज क्रीम नहीं है, जस्ट आपको वाइट ग्लो देती है थोड़ा सा। सबसे इस चीज़ की बात मुझे ये लगी कि जब भी आप इसको अप्लाई कर लेते हैं आपको पता नहीं चलता कि, और देखने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आपने अपनी स्किन पे कुछ लगाया हुआ या नहीं, ठीक है। ये बहुत बारीक सी इसकी लेयर बन जाती है, लेडीज़ भी इसको यूज़ कर सकती हैं, जेंट्स भाई भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सारे ही यूज़ कर सकते हैं जी, बच्चों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपनी इस बिल्कुल सेफ करी है ये, और इसके अलावा मैंने एक और तजर्बा इसके साथ किया वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। तो जी यहाँ पर मैं आपको अब दोबारा इसको लगा कर दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैं वाइप के साथ अच्छी तरह मैंने क्लीन कर लिया हैंड, यहाँ पे कोई बेस कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। तो यहाँ पर ये जी मैंने क्रीम अप्लाई कर ली,
वाइप्स मैंने क्लीन करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया था और मैं अब ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ। कोई इसमें कोई बेस कोई चीज़ नहीं, कोई पाउडर या कोई पैन के कोई चीज़ नहीं इसमें यूज़ हो रही, जस्ट सिंपल ये क्रीम है। इसको हमने ऊपर अप्लाई करके हैंड पे जेंटली इसको कर लेना। ये देखिए एक एप्लीकेशन से ही आपके रिजल्ट आप बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर मैंने क्रीम अप्लाई की है, यहाँ पर मैंने नहीं क्रीम अप्लाई की और मैंने इस हैंड पे भी अप्लाई नहीं की, आप दोनों का फ़र्क सामने नज़र आ रहा है आपको। इस वाले हैंड पे थोड़ा सा वाइट शेड आ गया है, वो वाला हैंड जो है वो नेचुरल है। ये मैंने स्प्रे है, इसमें पानी है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, ये इसको मैंने स्प्रे किया। अगर आपको हल्का सा स्वेट होता है तो ये आपके स्किन से नहीं उतरती, और अगर आप इसको ज़ोर से जैसे मैंने अभी वाइप से अच्छी तरह क्लीन किया है तो ये उतर जाएगी। ठीक है, आपको हल्का फुल्का पसीना आ रहा है तो ये क्रीम बिल्कुल नहीं उतरती, और अगर आप उस पसीने में अपने अच्छी तरह उसको कर लेते हैं वाइप से क्लीन तो वो उतर जाएगी। ये देखें जी, आपने इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट जब अप्लाई करेंगे तो मोटी लेयर बन जाएगी और फिर साफ पता चलता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। अगर आप इसकी थोड़ी अमाउंट अप्लाई करेंगे तो फिर जी नहीं पता चलता। ये देखें, अब मैं मिडल से ये वेट टिश्यू है इसके साथ मैं क्लीन कर रही हूँ, तो ये देखें जी यहाँ से उतर गई है और ये साफ पता चल रहा है कि ये यहाँ पर साइड्स पे कुछ लगा हुआ है। अच्छा जी, अब मेरा सेकंड एक्सपेरिमेंट जो मैंने इसके साथ किया है, ये मैंने ले ली बेस, ये मैंने खुद से ही मैंने ईजाद किया ये तजर्बा। तो ये देखें जी, ये मैंने बेस ले ली, ये मेरे पास ये वाली बेस है, आप कोई भी इसमें बेस ऐड कर सकते हैं, ये वाटर प्रूफ बेस है तो लाजमी नहीं कि आपने यही ऐड करनी है। तो ये मैं इसको निकाल रही थी, इसका पंप जो है वो नहीं काम कर रहा था तो मैं इसको फिर दोबारा मैंने इसे ओपन करके ही मैंने इसमें से निकाल ली। ठीक है, अब आपने ये बेस ले लेनी है जो आपकी स्किन से मैच होती है, आपने वो बेस लेके इसमें ये थोड़ी सी हमने ये वाली क्रीम ऐड कर दी है मैंने वाइटनिंग इंस्टेंट वाइट क्रीम आपने इसमें ऐड कर लेनी है और आपने इसको अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हमने इसको एक दूसरे हैंड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने अप्लाई करके तो ये मैं आपको इस हैंड पे मैंने अप्लाई किया है, वो क्लिप नहीं इसमें आया तो सिंपली मैंने इस बेस वाले को इस पर अप्लाई कर लिया। तो ये देखें जी, ये इससे नहीं उतरा और ये मैंने इसको वाइप भी किया है तो ये बहुत कम अमाउंट उतरी है, क्योंकि ये सिर्फ क्रीम रिमूव हुई है, जो बेस है वो नहीं रिमूव हुई, वो वाटर प्रूफ है। तो अगर मैं इस साइड पे देखती हूँ तो ये देखें जी, ये मैंने इसको लाइक टैप टैप करेंगे तो नहीं उतरेगा, अगर हम इसे वाइप करेंगे क्लीन करेंगे अच्छी तरह तो ये मिडल से निकल जाती है। तो इसका यह है कि अगर आप इसको फुल कवरेज क्रीम तो ये नहीं है, आप इसको बेस में ऐड करके लगा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी है। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें प्लीज़, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे मैं स्टोरीज लगाती हूँ तो पोस्ट भी लगाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाने वाली हूँ। और जी तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।